HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। रिपोर्ट लेने के लिए तो पार्षद चले जाते, पार्षद ने किसी ने आगे चल के पहल की हो, अगर उन्होंने घर से 100 रुपए खर्च करनी है अभी तो कोई पहल की नहीं। इलेक्शन लड़ना होता तो करोड़ और 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते, ना किसी पार्षद ने की किसी, ना किसी नंबरदार ने की, ना किसी चेयरमैन ने की, ना मौजूदा विधायक जो 5-7 रैली है वो कोई विधायक नहीं। देखिए हम इस वक्त हैं रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में और जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लगातार एचआर न्यूज आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से रेवाड़ी जिले की सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं किस तरीके से उन लोगों का पेट भर रही है जिनके पास इस लॉकडाउन की वजह से कमाने खाने की स्थिति नहीं है। लोग इसमें काफी सारे सहयोग कर रहे हैं और ये देखिए ये रोटी बनाने की ताकि जो है पूड़ी वगैरह ना पहुंचे, जो लोग हैं पूड़ी खाने से मना करते हैं उन लोगों को आराम से ये हाथ की हाथ आटे की रोटी मिल जाए, पतली पतली चपातियां मिल जाए। तो ये अपने आप में एक नई चीज दर्शाती है कि किस तरीके से लोग दिल से लगे हुए हैं। जैसे ये रोटी बनाने वाले लोग जो है नहीं मिल पा रहे थे तो इस मशीन से दमादम कच्ची रोटियां बन जाए। आपको बता दें 1 घंटे में 2000 रोटियां यानी कि ये मशीन तैयार करती है और जो मशीन लेकर के आए वो भी कहीं ना कहीं धर्मपुर इस चीज में लगे हुए। सबने सोच के व्यापार मंडल रेवाड़ी की तरफ से राधेश्याम जी है, राधेश्याम भाई पूरा व्यापार मंडल रेवाड़ी है, उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया कि पिछले कुछ दिनों से पूरी सब्जी और चावल चल रहे थे तो इन्होंने बताया कि लोगों की तरफ से ये आ रहा है कि पूरी की बजाय कुछ कच्ची रोटी का यदि प्रबंध हो जाए, क्योंकि दूसरा कारण उसमें ये भी रहा है कि लगातार पूरियाँ बन भी नहीं पा रही थी, डिमांड जो है डे बाई डे बढ़ रही है तो उस वजह से भाई कच्ची रोटियाँ भी मिल जाए और रोटियाँ जो है आप लंबे समय तक खा सकते हैं। इस मशीन का जो प्रोडक्शन है जो इसका पर घंटे का 2000 रोटी का इसका प्रोडक्शन है और आप जैसा घर में रोटी बनाते सेम उसी तरह से इसकी रोटियां बनती हैं। आप मुफ्त में समाज सेवा दे रहे हैं या चार्ज लेंगे मशीन का? नहीं, मैं एक मशीन का कोई चार्ज नहीं लूंगा, टोटल ही समाज सेवा रहेगा। तो मेरी तरफ से जितना होगा आगे भी मैं इसको निरंतर करता रहूंगा। शुभ नाम अपना? अशोक कुमार यादव। तो ये अशोक कुमार जी हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, मशीन अपने लेके आए हैं, कारीगर इनके लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रधान हैं राधेश्याम जी। राधेश्याम जी क्या कहेंगे, आपको क्यों मशीन लानी पड़ी? आप तो दाल चावल और ये बांट रहे थे, कढ़ी चावल पूड़ी सब्जी, क्यों एक एक? कई दिन से लगातार 5-6 दिन से जैसे रोज पूरी बन के जा रही थी, पूरी तो हमें भी पता है एक डेली नहीं खा सकते, तो इसलिए हमने एक सोचा है भाई पूरी की वजह से तबीयत खराब हो जाएगी लोगों की, अच्छा हमारी हो जाती लोगों की ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, तो हमने ये विचार रखा भाई अशोक से, हमने रखा भाई आपके पास मशीनें हैं तो इन्होंने कहा कि मेरी मशीन है उसको ले लिया जाए। और इससे कितनी रोटी रोज आप सप्लाई यहाँ से कर देंगे? अब यहाँ हमारे यहाँ 1 घंटे में 2000 रोटी बनती है, तो हमें अंदाज 2000 आदमियों की 8000-10000 रोटी चाहिए, 10000 रोटी हमारी पूरी हो जाए। 10000 जी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक पहल है और बड़ी पहल है, ये आटा लगा हुआ है, तमाम ये वर्कर भी हैं और गैस सिलेंडर की जो सप्लाई करने वाले वो भी लोग आए हुए हैं, तो जाहिर है बार बार। लेकिन एक सवाल उठता है राधेश्याम जी, प्रशासन के पास भी काफी माल आ रहा है, लोग दे रहे हैं राहत कोर्ट में, क्या आपसे प्रशासन ने कहा कि अगर आपके पास दिक्कत है तो वहाँ से ले लीजिए? हाँ जी, प्रशासन ने कल डीसी साहब ने सभी संस्थाओं की मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने कल लिस्ट भी जारी की थी, भाई हमारे पास ये सामान है और किसी संस्थाओं को सामान चाहिए तो आप ले सकते हैं, पर हमने कहा जब तक हमसे चल पाएगा हम अपनी संस्था से करेंगे, नहीं हम बंद कर रहे हैं। लेकिन 11 दिन का समय हो गया, लगातार आ रहा है, प्रशासन को ये चीज़ पहले भी करनी चाहिए थी, क्या मिल भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, जो राहत कोर्ट में आ रहा है तो चाहिए था प्रशासन का, समाज सेवा संस्थाओं को। कल प्रशासन नहीं, हमसे कहा गया था कि समाज सेवा यदि आप बना के दे रहे हो, आपको कच्चे माल की किसी किस्म की कोई दिक्कत है, फिलहाल हमारे पास आया, उसके बाद हम देखेंगे। तो इसकी क्या प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी, किस तरीके से आपको वहाँ से राशन मिलेगा, दाल है चावल है? देखो जी, हमने लेना ही नहीं, हम प्रक्रिया लेना नहीं है, बताया था फॉलो करने के लिए, उन्होंने कहा था लिस्ट ले लो और जिसने कराना इशू करा के हिंदू हाई स्कूल से ले लो, पर हमें लेना नहीं, हमारी ये अपनी संस्था है व्यापार मंडल, ये फिलहाल सक्षम है, जितना हो पाएगा हम करने की। जितनी भी सोसाइटी है जो ये खाना वितरित कर रही है वो राहत कोष से सामान ले ले और बना करके गरीबों को वितरित कर दे, ये अपने आप में दर्शाता है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर सरकार ये बड़े स्तर पे पहल करती तो कहीं ना कहीं स्थिति और आती,
जो अभी भी कई जगह से एचआर न्यूज को सुनने को मिल रही है कि उनको सूखा राशन चाहिए। कल भी हमने पार्षद का विश्लेषण दिखाया था, उन पार्षदों के पास भी इसी तरीके की शिकायतें आ रही है कि हमें सूखा राशन दिया जाए। अगर सूखा राशन मिल जाए इनको 15-15 दिन का, 10-10 दिन का मिल जाता तो आज ये स्थिति नहीं। मैं तो कोई नॉलेज में आए ना वोट लेने के लिए, तो पार्षद चले जाते, पार्षद ने किसी ने आगे चल के पहल की हो, अगर उन्होंने घर से 100 रुपए कर रहे हैं, 100 रुपए दे रहे हैं, तो हमें तो कोई एहसास हुआ नहीं। पूरा विधायक आया ना, मौजूदा विधायक जो 5-7 रैली है, वो कोई विधायक ने दर्जनों देखा हो टिकट की चाह रखने वाले, बोले हम समाज सेवा करेंगे, क्या उन लोगों ने कोई भंडारे के लिए अभी तक चलाया, कोई पहल की है? नहीं, हमारी तरफ से किया नहीं। उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता था 1-2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते, पर गरीब आदमी के लिए 1 रुपया खर्च करने की अभी तो कोई पहल किसी ने। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।